नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 में भाग 2 तक देखा था। भाग 2 में आपने देखा कंकाल पेशी की संरचना किस प्रकार से होती है, कंकाल पेशी किससे मिलकर बना होता है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पेशी की जो प्रोटीन संरचना होती है वो कैसे बनी होती है और किस तरह से वो कार्य करती है पेशी के संकुचन में। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको इस हाथ को ऊपर या नीचे की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है तो इसके लिए हमारे जो पेशियां होती हैं वो सहायता करती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम इस हाथ को ऐसे फैलाते हैं तो नीचे का जो मसल्स है यानी ट्राइसेप्स, ये संकुचित हो जाता है और ऊपर का जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड यानी अनुशिथिलन हो जाता है। फिर जब हम इसको ऊपर करते हैं तो ये वाली जो मसल्स है बाइसेप्स, ये संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और नीचे वाली मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो हमारे कोई भी मूवमेंट, किसी भी अंग का हिलना डुलना या संचलन किस पर डिपेंड करता है? पेशी के संकुचन और अनुशिथिलन पर। तो चूंकि पेशियां पेशी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम पेशी रेशा कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, उन्हीं मसल फाइबर में जो मायोफिलामेंट होते हैं यानी पेशी तंतु, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल, उनमें दो प्रोटीन मैंने आपको बताया था, एक्टिन और मायोसिन, इन्हीं दो प्रोटीन की सहायता से कोशिकाओं में संकुचन होता है जिससे मसल्स खींचती हैं और जब उनमें अनुशिथिलन होता है तो मसल्स यानी पेशी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक मसल फाइबर की संरचना दिखाई गई है। देखिए, हम अपने किसी भी अंग को इधर उधर मूव करा सकते हैं अपने ब्रेन के माध्यम से। हम ब्रेन के माध्यम से यहाँ संकेत देते हैं तब ये ऊपर होता है और जब संकेत देते हैं नीचे जाने का तो नीचे होता है, खुद ब खुद ये होता नहीं है। तो आखिर क्या चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर ब्रेन से इनको संदेश ले जाकर देती हैं, ये आपको आगे बताया जाएगा न्यूरल कंट्रोल में। तो फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि मस्तिष्क से बहुत सारी तार बिछी होती हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, वो तार नहीं कहेंगे आप, बस एक समझने के लिए। और उस नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए समस्त कोशिकाओं तक जाती हैं, उन कोशिकाओं में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है जो अगर हम यहाँ पर इसको टच करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन वर्क करता है और सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से संदेश भेजता है माइंड के पास कि कोई चीज़ यहाँ पर इस तरह से चुभ रही है। और जब मस्तिष्क से कोई भी इम्पल्स यानी संदेश को लेकर यहाँ पर कोई न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर आता है तो वो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कहलाता है। यानी अगर हमको इन मसल्स यानी पेशी को ये संदेश देना है कि ये ऊपर जाए तो हमारा जो ब्रेन है वो मोटर न्यूरॉन को आदेश देता है और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मसल्स की कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं को यह संदेश देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से कि अब आप कार्य करो। कैसे, यहां समझते हैं। ये एक मसल फाइबर यानी एक पेशी कोशिका है, मसल सेल है। हर मसल सेल्स के पास क्या होती हैं, नर्व सेल होती हैं। यह नर्व सेल है तंत्रिका कोशिका जो हमारे नर्वस सिस्टम के अनुसार कार्य करती है, वो आगे आपको आगे चैप्टर में बताए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बेसिक बताते हैं। ब्रेन से जो संदेश है, हमारे मस्तिष्क से जो संदेश है वो इम्पल्स के माध्यम से, करंट जैसा आपको दिखाया जाता है ना एनिमेशन में, करंट दौड़ती रहती, इसलिए से हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हमने सोचा नहीं कि मेरा हाथ पैर इधर उधर जैसा भी हम चाहें इसको घुमा सकते हैं, तो कितनी तेज स्पीड में होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, मस्तिष्क से संदेश लेकर आते हैं और इनको देते हैं। देखिए, इस नर्व सेल और मसल सेल यानी तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका के बीच में थोड़ी जगह होती है, उसे हम यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इस जगह को हम कहते हैं, ग्रीन लाइन से जो दिखाए हैं, इस जगह को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यह आपको आगे बताया जाएगा कि क्या होता है। थोड़ा सा हम बताएंगे कि जो इम्पल्स होती हैं वो, ये देखिए ये जो बनाए हुए हैं ये चीज़ है, इसी को हम जूम कर दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं। तो ये जो भाग है वो ये है तंत्रिका कोशिका का आखिरी भाग। तो जो नर्व इम्पल्स आता है ब्रेन से वो इसके माध्यम से होते हैं और इसके माध्यम से होता हुआ कहाँ जाता है, इन पेशी कोशिकाओं में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है कि अब आपका टाइम आ गया है संकुचित होने का।
ठीक है। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बीच में पड़ता है न्यूरॉन्स के बीच और न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच, यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स काम आते हैं मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा। एंटी न्यूरोट्रांसमीटर्स हम इंजेक्ट कर देते हैं अगर, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बंद जाते हैं जिससे इंपल्स इन मसल्स में नहीं जाते हैं। ऐसा तब क्या आता है जब शून्य किया जाता है। अगर हमको यहाँ पर हाथ की मसल्स में या कुछ भी करना है, यहाँ पर ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिससे ये हाथ पूरा शून्य पड़ जाता है। अब वहाँ पर आप कुछ भी करिए कोई संदेश लेकर जाने वाला नहीं होता, बाद में आपको बताया जाएगा आगे चैप्टर में। अभी जो आपको समझना है वो ये सिंपल सा कि ब्रेन से इम्पल्स आता है, कहाँ जाता है, मसल फाइबर यानी मसल्स सेल के पास, ठीक, पेशी कोशिकाओं के पास। अब चूंकि पेशी कोशिकाओं के पास यह इम्पल्स पहुंचा, तो अब पेशी कोशिका में आखिर क्या होती हैं कि ये सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने पर ही ये मूवमेंट होता है, ठीक है। ये जब सिकुड़ती हैं ऊपर आया, जब फैली तो नीचे आया। यहां पर ये फिगर ये आपको बता रहा है कि द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन स्केलेटल मसल फाइबर एंड इट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब स्केलेटल मसल फाइबर और उसके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कैसे मस्तिष्क से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है और मसल फाइबर को संकेत देता है संकुचित होने का। ये एक न्यूरॉन है जिसके जो भाग होते हैं, ये एक मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। ये सब आपको आगे बताया जाएगा, ये इसका एग्जाम पार्ट है। लिखा हुआ है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल, ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो इधर से होते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं। ये आपका मायोफाइब्रिल है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जगह जगह पर बनाए गए हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताया गया है कैल्शियम का भंडार होते हैं। अभी कैल्शियम का भी यूज आएगा, अभी बताते हैं, याद रखेंगे। कैल्शियम कहाँ पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यह आपका साइनेप्टिकल टर्मिनल यानी जो नर्व्स का है अंतिम भाग, जिसे हम साइनेप्टिकल टर्मिनल कहते हैं, वो है दर्शाया गया है साइनेप्टिकल टर्मिनल। और जो ये है आपका सार्कोप्लाज्म जिसे कहते हैं, मसल फाइबर की जो अंदर का जो द्रव होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो साइनेप्टिकल टर्मिनल और सार्कोप्लाज्म के बीच जो जंक्शन होता है उसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें ट्रांसमीटर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यहाँ से इनके पास लाने में मदद करते हैं, ठीक। ये हो गया इस फिगर के बारे में संपूर्ण जानकारी। समझ में आया आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के आधार पर हमारी मसल्स वर्क करती हैं। ये जो आप न्यूरॉन देखते हैं ये मस्तिष्क से लेकर हर कोशिका तक फैली होती हैं, तो ये क्या कार्य करती हैं, मस्तिष्क से संदेशों को हर मसल्स सेल में पहुंचाती हैं। ये जो न्यूरॉन होता है नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिका, ये मस्तिष्क से संदेशों को कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है वो है संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। हेडिंग डाल लीजिए जितना आपने इससे पिछले वाले पार्ट में भाग दो में पढ़ा था, उसके बाद आपका हेडिंग है संकुचनशील संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्योंकि आपको बताया गया जो हमारी मसल्स हैं उनमें दो मुख्य प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी, एक एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है और दूसरा मायोसिन। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, पेशी कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए, एक्टिन मायोसिन। यही एक्टिन मायोसिन होते हैं जो पेशी कोशिकाओं को संकुचित करते हैं जिससे पूरी पेशी मसल संकुचित हो जाती है। ये है आपका फिगर मसल प्रोटीन का, ध्यान से समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मसल पेशियों की संकुचनशील की क्रियाविधि है सब इसी पर डिपेंड है। अगर आप इसको समझ ले गए कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में टॉपिक को, अगर इसको नहीं समझ पाए तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारी पेशियाँ वर्क कैसे करती हैं, क्रिया कैसे करती हैं। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको याद करते चलेंगे। पेशी कोशिका में मायोफाइब्रिल यानी पेशी तंतु पाए जाते हैं, पेशी तंतु में
दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको बताया गया था। एक एक्टिन प्रोटीन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और दूसरा मायोसिन प्रोटीन जो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, रेड कलर से दिखाया गया है। अब हमें एक्टिन और मायोसिन का डिटेल पढ़ना है। जो एक्टिन प्रोटीन होती हैं, एक्टिन प्रोटीन वो दो एक्टिन प्रोटीन दो एफ एक्टिन से बनी धागे से बनी होती हैं। एफ एक्टिन मतलब फाइब्रस, ठीक है। अब देखिए ये फाइब्रस धागा एक ऐसा फिर एक ऐसा सर्पीला रूप में जुड़ा होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्टिन जो प्रोटीन होता है वो दो एफ एक्टिन प्रोटीन से बने धागों से सर्पीलाकार कुंडलित होता है। ये देखिए ये एक है, ये एक एफ प्रोटीन का धागा है और दूसरा एफ प्रोटीन का धागा ये है, सर्पीलाकार में जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे एक एफ एक्टिन प्रोटीन हो गया धागा और दूसरा एफ प्रोटीन ऐसे, दूसरा एफ प्रोटीन। पहले याद करिए एक्टिन प्रोटीन दो एफ यानी फाइब्रस, एफ मतलब फाइब्रस, एक्टिन प्रोटीन दो एफ एक्टिन प्रोटीन के बने धागों से बने होते हैं। अब ये एफ एक्टिन प्रोटीन के जो धागा है वो किससे बना होता है? ये जो आप धागा देख रहे हैं एफ एक्टिन का जो नीले कलर से बनाया गया जिसके बीच बीच में रेड कलर का डॉट है, एफ एक्टिन का जो धागा है वो बना होता है जी प्रोटीन से, जी एक्टिन, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आप बोल रहे हो एफ एक्टिन दो एफ एक्टिन धागों से बना होता है, एक्टिन जो है दो एफ एक्टिन धागों से बना होता है, तो ये जो एफ एक्टिन है वो किससे बना होता है, यानी ये धागा किससे बना होता है? तो ये धागा बना होता है ढेर सारे जी एक्टिन प्रोटीन से। ये सब जो गोल गोल आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो जी एक्टिन प्रोटीन कहलाती हैं, ठीक है। ये सब जी एक्टिन प्रोटीन है। तो आप फिर याद करेंगे कि एक्टिन प्रोटीन दो एफ एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और एफ एक्टिन प्रोटीन गोलाकार जी एक्टिन प्रोटीन की बहुलक होती हैं, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन दो एफ एक्टिन यानी फाइब्रस एक्टिन से मिलकर बनी होती हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? जी यानी ग्लोबुलर जी एक्टिन प्रोटीन का बहुलक होता है। बहुलक मतलब ढेर सारे जी प्रोटीन से मिलकर ये एफ एक्टिन प्रोटीन बना होता है, ठीक। प्रत्येक एक्टिन दो एफ एक्टिन से बना होता है। एक एफ एक्टिन का धागा ये हो गया, दूसरा एफ एक्टिन का धागा ये हो गया। दोनों एफ एक्टिन धागे एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? सर्पीलाकार जुड़े होते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक एक्टिन प्रोटीन के दोनों एफ एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ एक दूसरे प्रोटीन का धागा, यहां पर देखिए ग्रीन कलर से बनाई गई ना ये और ये, एक दूसरे प्रोटीन का से बना दो धागा एक्टिन के समानांतर चलता है, वो किसका बना होता है? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। आपने याद किया प्रत्येक एक्टिन, थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि जब आप एक जिद पकड़ लेंगे याद करने के लिए तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे बोल रहे हैं आपको याद करना है। प्रत्येक एक्टिन दो एफ एक्टिन के धागों से बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन का धागा ढेर सारे जी एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन दोनों एफ एक्टिन के प्रोटीन के साथ साथ दो और धागे होते हैं जो ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं, जो एक्टिन प्रोटीन के एफ एक्टिन के समानांतर जाते हैं, ठीक। देखिए एक धागा ये गया ग्रीन कलर से और एक धागा यहाँ पर अंदर की तरफ से होता हुआ ये निकला, क्योंकि ये ऐसी संरचना होती है, सर्पीलाकार होता है, स्पाइरल शेप होता है, तो उसमें ये छिप गया है एक वाला, लेकिन बने दोनों हैं, एक धागा ये है और एक धागा ये। तो एफ एक्टिन के साथ साथ दो अन्य धागे होते हैं जो किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, याद हो गया। इस ट्रोपोमायोसिन में आप अगर जगह जगह पर देखेंगे तो इस ट्रोपोमायोसिन में जगह जगह पर तीन गोलाकार प्रोटीन का समूह होता है, तीन गोलाकार प्रोटीन का समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन कहते हैं, ट्रोपोनिन। ये देखिए एक गोला दो गोला तीन गोला,
ठीक इस तरह से ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक ट्रोपोमायोसिन धागे पर, ट्रोपोमायोसिन धागे पर जगह जगह पर तीन गोलाकार प्रोटीन समूह पाए जाते हैं, तीन गोलाकार प्रोटीन समूह पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्रोपोनिन कहते हैं। याद कर डालिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। अब यहां पर ट्रोपोनिन पाया गया है, हो सकता है अब इसके बाद और थोड़ी दूर पर पाया जाए, यानी थोड़ा सा अंतराल पर पाया जाता है, ठीक है, थोड़े अंतराल पर ट्रोपोमायोसिन के थोड़े थोड़े अंतराल पर तीन गोलाकार प्रोटीन का समूह होता है जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये ट्रोपोनिन कार्य क्या करता है, ट्रोपोनिन एक्टिन को, जो मायोसिन, ये जो आप रेड कलर से संरचना देख रहे हैं ये मायोसिन प्रोटीन है। अभी हम इसको ट्रोपोनिन को छोड़ देते हैं, पहले हम मायोसिन की संरचना को पढ़ते हैं। आप अगर देखें मायोसिन भी किससे बना होता है, प्रोटीन ही है, तो मायोसिन किसका बहुलक है, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो किसी का बहुलक होगा, तो जो मायोसिन होता है वो किसका बहुलक होता है, जैसे यहां पर देखे ना एफ एक्टिन किसका बहुलक है, एफ एक्टिन जी एक्टिन का बहुलक है, उसी तरीके से जो मायोसिन प्रोटीन है वो किसका बहुलक होता है, तो मायोसिन बहुलक होता है मेरोमायोसिन का, मेरोमायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। मायोसिन में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक उसका सिर और दूसरा उसका पूंछ। यहां पर देखिए मायोसिन का ये जो भाग है वो एक भुजा सहित, ये इसका आर्म है, इसका भुजा सहित एक सिर होता है, ये सिर हो गया, और दूसरा इसका पूंछ। ये मायोसिन का महत्वपूर्ण भाग है, सिर और पूंछ, क्योंकि सिर और पूंछ ही पेशी के संकुचन में सहायता करते हैं। करते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी यहां पर इसको हम जोड़ दिए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं जुड़ता, जैसे देखिए हमारी ये पेशी है, अभी इस पेशी की बात करें तो अभी ये रिलैक्स्ड है, यानी अनुशिथिलन, कोई कार्य नहीं करना, हमने माइंड के थ्रू इसको इम्पल्स भेजा, नर्वस सिस्टम के द्वारा इम्पल्स यहाँ गया और हमने कहा इसको कि संकुचित हो जाओ, हाथ ऊपर हो गया। तो अब ये कैसे होता है, जब हम नर्व के द्वारा इसको संकेत देते हैं तो जब इस पर संकेत पहुँचता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से, तब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रत्येक मायोफाइब्रिल एक्टिव हो जाता है, और जो यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ढेर सारे कैल्शियम आयन सिक्रीट करने लगता है। कैल्शियम आयन जब इससे जुड़ता है ट्रोपोनिन से, तो ट्रोपोनिन क्या करता है, ये जगह छोड़कर हट जाता है, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया था ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पेसी के संकुचन में ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन का वर्क करते हैं, स्विच ऑफ और स्विच ऑन का वर्क करते हैं। जब पेशियां रिलैक्स फॉर्म में हैं, जब हम कोई संकेत नहीं दे रहे हैं इनको कोई कार्य करने के लिए, तब ये जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा नहीं होता, तब ये ऐसे होता है, ठीक है। ये जो मायोसिन का सिर है वो एक्टिन से दूर होता है, ठीक है। दूर क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो ट्रोपोनिन पाया जाता है वो ट्रोपोनिन यहां नीचे बैठ जाता है। ट्रोपोनिन क्या करता है, ट्रोपोनिन अनावश्यक मायोसिन को एक्टिन से बंधने नहीं देता, ध्यान से समझिएगा। ट्रोपोनिन स्विच ऑफ का काम करता है, अभी जब तक कि कोई नर्व इंपल्स नहीं आता ब्रेन से तब तक ये यहां पर बैठा होता है, ट्रोपोनिन नीचे की तरफ बैठा होता है, यानी मायोसिन के सिर को एक्टिन से जुड़ने नहीं देता, कहता है अभी आवश्यकता नहीं, अभी दूर रहो। अब जब ब्रेन से जब इंपल्स आता है कि इनको संकुचन होना है, तो ब्रेन से जब इंपल्स आता है तो ये जो सार्कोप्लाज्म की रेटिकुलम है, मैंने बताया था कैल्शियम का भंडार होती है, ये ढेर सारे कैल्शियम रिलीज करती हैं, और जब कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम जाकर ये जो ट्रोपोनिन होता है वो कैल्शियम को पकड़ लेता है और उसमें बिजी हो जाता है, ऊपर खिसक जाता है, स्थान छूट जाता है, एक्टिन का वह स्थान छूट जाता है जो मायोसिन के जुड़ने के लिए आवश्यक होता है। जैसे ही मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़ता है, ये क्या करते हैं, इसको पकड़कर खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक। अब इधर बना हुआ है तो इधर खींचेगा, ठीक, खींचने का ही काम करता है ये जो आप मायोसिन प्रोटीन देख रहे हैं, इसको पकड़कर ऐसे खींच देगा। देखिए यहां पर बना हुआ है, ये एक्टिन प्रोटीन है ये वाला, ठीक। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये मायोसिन प्रोटीन है। अब मायोसिन प्रोटीन में ये जो देख रहे हैं ये इसका हेड है। अब ये क्या करता है, देखिए ये अभी संकुचित फॉर्म में है, देखिए लिखा हुआ है,
रिलैक्स्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स। अभी रिलैक्स्ड दिखाया गया है यानी अनुशिथिलन अवस्था, अनुशिथिलन अवस्था, कोई कार्य नहीं कर रहा। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड यानी संकुचित अवस्था, संकुचित अवस्था। अब देखिए जो रिलैक्स्ड फेज है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। जब रिलैक्स्ड है तब क्या होता है, ये दोनों सिरों को देखिएगा, ये दोनों सिरे बहुत दूर दूर हैं, ठीक है ना। अभी रिलैक्स्ड है यानी एक्टिन का जो स्थान है जो मायोसिन से जुड़ता है वो ट्रोपोनिन घेरे रखा है, बंद किए हैं। अब जब नर्व इंपल्स आता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयन क्या करता है ट्रोपोनिन से बंद जाता है और ये जगह छोड़कर ऊपर चला जाता है। जैसे ही जगह छूटता है मायोसिन जाकर एक्टिन से चिपक जाता है और इसको पकड़ कर खींच लेता है। अब देखिए ये रिलैक्स्ड फॉर्म में था, अब जैसे ही इसको संकेत मिला इसने क्या किया, हेड ने इनको पकड़कर खींच दिया। खींचने पर देखिए दूरी इतनी थी, कहाँ आ गई, इधर आ गई, कम हो गई, है ना। ये ऐसे खींच जाती हैं, ऐसे सारी की सारी कोश जो मायोफिलामेंट है उनकी सारी की सारी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट खींच जाती हैं। तो जब ये मायोसिन खींचेंगी तो पेशी कोशिका भी संकुचित होंगी, पेशी कोशिका संकुचित होगी तो पेशियां भी संकुचित होंगी। और पेशियां मतलब इतनी लंबी है, अगर ये संकुचित होकर इतनी हो जाएंगी तो देखिए ये उठ जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक यहां पर ये पेशियां वर्क करती हैं। अभी पेशियां रिलैक्स फॉर्म में हैं, देखिए दूर दूर हैं। अब जैसे ही सिग्नल हमने दिया ये खींचकर और पास आ गई। तो ऐसे ही पेशियां कार्य करती हैं, पेशी में पेशी का संकुचन की क्रियाविधि इसी तरह से कार्य करती हैं। फिर से एक बार समझाते हैं यहां पर, आप पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, बेसिक हमने आपको बता दिया कि कैसे कार्य करती हैं, फिर से हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर याद करिए। प्रत्येक देखिए हमारा जो पेशी है कैसे वर्क करता है, पहले इसको याद करिए, हमारी पेशियां पेशी कोशिकाओं के संकुचन के आधार पर वर्क करती हैं। जब ब्रेन से संदेश आता है इन पेशी कोशिकाओं के पास तब पेशी कोशिकाओं में उपस्थित पेशी तंतु में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन संकुचित हो जाती हैं, जिससे पूरी पेशी कोशिका संकुचित हो जाती है। जब पूरी पेशी कोशिका संकुचित होती है तो पूरी पेशियां भी संकुचित हो जाती हैं, ठीक है। फिर अब याद करेंगे कि प्रत्येक पेशी तंतु में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन दो एफ एक्टिन धागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन धागा ढेर सारे जी एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी एक एफ एक्टिन जी एक्टिन प्रोटीन का बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है। समझ में आया, यानी ढेर सा जब कोई भी धागा लंबी चेन होती है जो किसी एक समान प्रोटीन से मिलकर बनी होती है तब उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन प्रोटीन्स, यानी एक एक्टिन दो एफ एक्टिन प्रोटीन के धागों से बना होता है, प्रत्येक एफ एक्टिन ढेर सारे जी एक्टिन प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। इस एफ एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ दो अन्य प्रोटीन के लड़ी होती हैं, धागे होती हैं जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। प्रत्येक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के जगह जगह पर तीन गोलाकार प्रोटीन का समूह होता है जिसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। यह ट्रोपोनिन एक्टिन के उस स्थान को ढक देता है जहां पर मायोसिन का सिर आकर जुड़ता है, यानी इसके बंधन को बंद कर देता है कि अभी हटेंगे नहीं हम, क्योंकि अभी ब्रेन से हमारे पास कोई सिग्नल ही नहीं आया है, जब सिग्नल आएगा तो हम हट जाएंगे, आप इनको जुड़कर खींच लेना, यही कार्य होता है। अभी ये स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक, जब ये ट्रोपोनिन इस बंधन वाले जगह पर जुड़े होते हैं तब स्विच ऑफ होता है। जैसे ही नर्व इंपल्स देता है तो इंपल्स जब यहां पर जाती हैं, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो कैल्शियम आयन इनसे जुड़ जाती हैं, ये अपनी जगह से हट जाता है, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाता है, तुरंत मायोसिन का सिर एक्टिन से जुड़कर स्विच ऑन कर देता है और यानी पेशी कोशिका सिकुड़ जाती है। ये हो गया एक्टिन के बारे में। अब मायोसिन के बारे में याद करिए, मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मेरोमायोसिन का बहुलक होता है। मेरोमायोसिन होना चाहिए, मायोसिन लिख दिए, मेरोमायोसिन प्रोटीन का बहुलक होता है, यानी मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो मेरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक मायोसिन प्रोटीन में दो मुख्य भाग होते हैं, सिर और पूंछ। सिर जो भाग होता है वो एक्टिन के साथ बंधन बनाता है, ठीक है। बस ये हो गया उसकी संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ इसके माध्यम से, ये भी आपको वही चीजें बनाई गई हैं। ये एक्टिन जो लाइन है वो ये है एक्टिन लाइन। अब यहाँ पर गोला नहीं बनाया गया, सीधे लाइन बना दी गई है।
ये एक्टिन लाइन है, ये एक्टिन लाइन है, ये एक्टिन लाइन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, ठीक। ये जेड लाइन है जो जिग जैग पैटर्न में होता है, जो एक्टिन प्रोटीन को आपस में बांधे होता है कस के। अब ये जो मायोसिन है, मायोसिन को यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हैं ना, सिर्फ एक सिरा है, तो एक सिर यहाँ पर देखिए, ये वाली संरचना, एक इतना इतना भाग बना हुआ है, ठीक। हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है वो इतना भाग दर्शाया गया है, ठीक। अब ऐसे ही सब जगह होगा, तो ये जो जितने भी सिर हैं वो सब एक्टिन से जुड़कर खींचती हैं मसल्स को। ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो है ऐसे है ना, ये एक्टिन को ऐसे पकड़कर इधर खींचेगा, और ये वाला जो है ऐसे था, देखिए ऐसे, ये पकड़ के ऐसे खींचेगा। तो जो इसकी चौड़ाई इधर इतनी ज़्यादा है, जब ये पकड़ के खींचेंगे तो चौड़ाई घट जाएगी, देखिए चौड़ाई घट गई है, ठीक। फिर से हम इस स्ट्रक्चर को समझाते हैं। आपको बताया गया है कि प्रत्येक पेशी कोशिका या पेशी कोशिका में उपस्थित जो पेशी तंतु होती है, उनमें जो संकुचनशील कार्यशील इकाई होती है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। एक सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का भाग होता है, दो जेड लाइन के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है, जो कि संकुचनशील प्रोटीन के कार्यशील इकाई होती है। यही कार्य करता है पेशियों के संकुचन में। अब प्रत्येक पेशी के संकुचनशील इकाई में आई बैंड होता है जो एक्टिन से बना होता है, और ए बैंड होता है जो मायोसिन से बना होता है। आई बैंड को हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं या समदैशिक बैंड कहते हैं, ए बैंड को हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, या फिर हम इसे विषमदैशिक बैंड कहते हैं। ए बैंड में जो बीच का स्थान होता है उसे हम एच जोन कहते हैं, जहाँ पर एक्टिन नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ पर ये एक्टिन है, नहीं है, यहाँ पर ये एक्टिन है, यहाँ पर है, बीच में नहीं है। तो जहाँ पर एक्टिन नहीं पाई जाती, मायोसिन का वह क्षेत्र जहाँ पर एक्टिन नहीं पाया जाता, उसे हम एच जोन कहते हैं, ठीक। क्लियर सारी चीज़ें। अब जब सिग्नल मिलता है तो ये चीज़ें मैंने बताया ना, ये जो सिर होती हैं वो इनको पकड़कर क्या करती हैं, इनको पकड़कर ऐसे, इनको पकड़कर इधर खींचेंगी, इधर डायरेक्शन में इनको पकड़कर ऐसे खींचेंगी, और फिर ये वाली जो दर है वो इधर पकड़ के खींचेंगी। तो ये इधर से पकड़ के खींचता है, ये इधर से पकड़ के खींचता है, तो ये दोनों के बीच की चौड़ाई कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए संकुचनशील हो गई। अब ये रिलैक्स फील्ड में है, रिलैक्स्ड है यानी अनुशिथिल है, पेशियों को कोई संकेत नहीं मिला है कार्य करने का। जब संकेत मिलता है तब ये इस तरह से खींच देती हैं और ये संकुचित हो जाती है, पेशी संकुचित हो जाती है, जिससे हमारा जो भी अंग है वो ऊपर या नीचे होता रहता है, ठीक। अब यहाँ पर ये अनुशिथिल अवस्था दर्शाई गई है, जिसमें कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए लोग रिलैक्स फॉर्म में। जब संकेत मिलता है तब देखिए सार्कोमियर क्या होता है, शॉर्टेंस, एच जोन शॉर्टेंस, आई बैंड शॉर्टेंस, आई बैंड शॉर्टेंस, ठीक। यानी ये जो पकड़ कर इनको खींची है, इसकी वजह से एच जोन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यानी अब ये जो फेज है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स यानी संकुचनशील पेशी की प्रोटीन की संरचना है। बस ये था आपका कंकाल पेशी में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन यानी संकुचनशील प्रोटीन की संरचना का वर्णन। सारा फिगर बना लीजिए। अब जितना भी बातें बताई गई हैं आप पहले इसको याद करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल बताएंगे कि किस तरह से ये इनको पकड़कर खींचती हैं, जिससे पेशियां संकुचित होती हैं और अपना कार्य करती हैं। यानी पेशी की संकुचनशील की क्रियाविधि नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा फिगर के साथ, क्योंकि ये फिगर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी होगा और थोड़ा टाइम लगता है फिगर बनाने में। आपको बता दूं कि एक घंटे का वीडियो अगर बनता है इस टॉपिक पर, फिगर के टॉपिक पर, तो दो घंटे फिगर को बनाने में लग जाता है, ये इजी वे में नहीं बनता है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करके इसको जितनी बार बनाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा, पढ़ना आपको है, हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करके बनाओगे उतना ही आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। कुछ भी नहीं है इन सब में, बस आप डर जाते हो फिगर देख के, पढ़ना स्टार्ट करोगे सब इजी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं नीट वगैरह में। बस आज का टॉपिक इतना ही, अभी आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, और लिखेंगे प्रत्येक एक्टिन धागा, प्रत्येक एक्टिन धागा दो एफ ब्रैकेट में लिखिएगा फाइब्रस, एफ आई बी आर ओ यू एस फाइब्रस, प्रत्येक एक्टिन धागा दो एफ यानी फाइब्रस एक्टिन धागों से बना होता है। ये दोनों धागे एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित होते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन धागा गोलाकार जी एक्टिन प्रोटीन के बहुलीकरण से बना होता है, यानी ये
एक एफ एक्टिन जो धागा होता है वो जी एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमर होता है। तो लिखेंगे प्रत्येक एफ एक्टिन धागा जी एक्टिन प्रोटीन के बहुलीकरण से बना होता है। फिर आगे लिखेंगे एक दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के धागे के निकट सटकर पूरी लंबाई तक जाते हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के जो दो धागे हैं वो एफ एक्टिन के निकट सटकर पूरी लंबाई तक जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे तीन तीन गोलाकार पेप्टाइडों का बना एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती हैं। जैसे एक यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर चौथा आगे, इस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लिखें नियत अंतरालों पर ट्रोपोमायोसिन के धागे पर नियत अंतरालों पर पाई जाती हैं। आगे आप लिखेंगे विश्राम की अवस्था में जब कोई कार्य नहीं करना है पेशियों को तब विश्राम की अवस्था में प्रत्येक ट्रोपोनिन ये जो भाग है ट्रोपोनिन की एक उप इकाई यानी ये उप इकाई एक ये उप इकाई आगे जो भी है यानी प्रत्येक ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन के मायोसिन के बंध बनाने वाले स्थान को ढक कर रखती है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के नियत स्थानों पर जो ट्रोपोनिन तीन गोलाकार प्रोटीन से मिलकर जो बना होता है ट्रोपोनिन वो एक्टिन के जो तंतु है एक्टिन तंतुओं को जो तंतु है वहां पर मायोसिन के बंध बनाने वाले स्थान को क्या करती है ढक कर रखती है। कौन? ट्रोपोनिन। जब पेशी विश्राम अवस्था में होता है। अब आप पहले लिखेंगे मायोसिन प्रोटीन के बारे में लिखेंगे प्रत्येक मायोसिन भी एक बहुलक प्रोटीन है जो एकली प्रोटीन अणुओं या जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं नहीं सॉरी मेरोमायोसिन कहते हैं के बहुलीकरण से बना होता है। मेरोमायोसिन के बहुलीकरण से बना होता है प्रत्येक मायोसिन मेरोमायोसिन के बहुलीकरण से बना होता है। आगे लिखेंगे प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं एक भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को एक नाम दिया जाता है सिर को कहते हैं भारी मेरोमायोसिन HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन। ठीक है, यानी हिंदी में इसे कहते हैं भारी मायोसिन। सिर को क्या कहते हैं भारी मेरोमायोसिन हैवी मेरोमायोसिन। ठीक, LMM यानी इसे क्या कहते हैं सिर ये पूंछ जो होता है पूंछ को कहा जाता है LMM यानी लाइट मेरोमायोसिन यानी हल्का मेरोमायोसिन। ध्यान से समझेंगे मेरोमायोसिन का जो दो महत्वपूर्ण भाग होता है वो सिर है और उसका पूंछ है। सिर को कहते हैं HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन यानी भारी मेरोमायोसिन। ठीक है, मेरोमायोसिन। और जो पूंछ होता है उसे हम लाइट मेरोमायोसिन या हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं। इतना आप लिखिएगा। अब आप आगे लिखेंगे मेरोमायोसिन का HMM अर्थात सिर एक नियत कोण पर ऊपर उभरा होता है। ठीक है, एक नियत कोण पर ऊपर उभरा होता है तथा आपस में यानी इसके बाद जो आएगा सिर और पूंछ वो एक नियत दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि इरेगुलर होते हैं, एक नियत दूरी पर स्थित होते हैं। तो लिखेंगे तथा आपस में एक नियत दूरी पर स्थित होते हैं। फिर आगे लिखेंगे गोलाकार सिर एक सक्रिय ATPase एंजाइम है। गोलाकार जो सिर होता है वो एक सक्रिय ATPase एंजाइम है जो ATP के बंधन स्थान यानी ATP आकर यहीं पर जुड़ते हैं ATP के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। जो सिर है मेरोमायोसिन का जो सिर है वो एक सक्रिय ATPase एंजाइम होता है जो ATP के बंधन के लिए तथा एक्टिन के सक्रिय बंधन के लिए होता है। बस ये था आपका एक संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये संकुचनशील प्रोटीन की संरचना समझ में आई। थोड़ा बहुत मैंने प्रोसेस भी बताया है कि कैसे संकुचन होता है यहाँ पर आपको बताया गया है। आप इसको फिर से समझिए बार बार समझिए जब तक आपके यहाँ पर स्टोर नहीं हो जाता। बस आज का टॉपिक बस इतना ही।
और आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा पेशी का संकुचनशील की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो आप थोड़ा वेट करिएगा, पार्ट फोर में आपको बताया जाएगा, तब तक आप इसको याद कर लेंगे। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आगे वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ कर याद करके नोट कर लेंगे। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।